वॉचिंग NC7 न्यूज हर खबर ते नजर। देखो साबका मंत्री जिहड़े मलूका साहब है उन्होंने बारे मैं की कह सकता है। उन्होंने पिछली ब्लाक समिति जिला परिषद बारे भी यही गल कही सी भी साडे पोलिंग बूथ ते कब्जा कर लिया, साडे पोलिंग बूथ एजेंटा नूं बाहर कढ़ दिता, जिहड़ा कि सारा मीडिया बठिंडे दा 8:30 बजे पहुँचे थे। अमन मान नाल वोटां पै रही सी ते इह 8:15 बजे धरना ला के कांगड़ वाले मोड़ ते बह गया सी, उह भी झूठ पाया गया। अज भी जिहड़ियां गल्लां उह बेमुनियाद ने बिल्कुल। जदों आपां कोई किसी चीज़ कानून अपने हाथ च लैने उदों रौला पैंदा है। ये अज इस इलाके पहला इन्होंने आपकी ताकत के नशे च पहला हरेक पोलिंग बूथों के अंदर वड़दे सी, हुण भी इन्हां दा रूटीन उवें बनिया हुआ है। उत्थे कांगड़ दस्या, मैं तो पिंड भी है नहीं सी, दस्या गया भी जदों वह अंदर गए तो उत्थे रौला पिया भी तुसीं अंदर आ नहीं सकते। हुण जे मैं इस पोलिंग बूथ स्कूल के अंदर जाऊँगा जिते खड़ा है, इतने मैं वर्करा आपके इतने जो पोलिंग बंदे मेरे बैठे उन्होंने मिल के मेरा जाना फर्ज बनता। जे मैं कानून आपके द हाथ च लैके मैं अंदर जाऊँगा पोलिंग बूथ से जिते मशीन पाइं, तो फिर आप ही अपोजिशन उतों के जोड़े वोटर सपोटर दूजे ने रौला पाना हों, इस करके मामूली उत्थे रौला पे। कोई ऐसी गल नहीं हुई जी किसी कुटमार की है, सारी बनी बनाई इन्हों की आपकी गल है। कांग्रेस साहब तुम सारे हल्के का तकरीबन दौरा किया जी, किस तरह का माहौल है सर? बहुत वधिया माहौल है, बहुत वड्डी जित असीं फरीदकोट हल्के तो पार्लीमेंट जितांगे, वड्डी तादाद दे जिहड़ा तुसीं सोच ही नहीं सकते। और मैं अज इत्थों तक भी कह सकदा बठिंडा जिहड़ी सीट है कहिंदे असीं बड़ा फसवा मुकाबला, लख तो उत्ते उत्ते वोट असीं बठिंडे तो भी जितांगे जित रहे हैं। इन्नी भारी गिणती च लोग कांग्रेस नूं वोट पा रहे हैं, सिर्फ इक्को ही गुरु महाराज की बेअबदी का जिहड़ा लोगों के मनां च बहुत वड्डा रोस है, उस प्रति अकाली दल नूं बिल्कुल। मैं पिंडां चों आया, अकाली दल के बूथों से कोई रौनक नहीं, दो दो तीन तीन बंदे वो भी मजबूरी बस बैठे ने, कोई चाह ना नहीं बैठे, इस करके पंजाब दे विच 13 दियां 13 सीटां सी जितांगे। NC7 न्यूज हर खबर ते नजर।